चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए, क्लास के साथ में सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। जमेरुन नेसा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हो गया, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए सब कोई। चलिए तो सभी को गुड मॉर्निंग है। क्लास को स्टार्ट किया जाए अब। सभी बच्चे आ गए, क्लास को ज्वाइन कर लिए सभी बच्चे। चलिए जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए आइए तो देखा जाए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहां तक कि कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग को बात करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही नहीं बात करना है। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर, लेकिन आज की क्लास में हम लोग को बात करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। तो जरा सा गौर कीजिएगा कि यह जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, स्टार्टिंग से जिस प्रकार से हम लोग किसी भी टेंस को दो नियम से पढ़ते आए हैं, एक नियम आपका चलता है ट्रांसलेशन का और दूसरा रूल आपका चलता है ग्रामर का। एक नियम आपका ट्रांसलेशन का चलता है और एक रूल आपका ग्रामर का चलता है। इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी दो नियम से दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखना है कि इस टेंस का जो ट्रांसलेशन का रूल होता है, हम लोग किसी भी हिंदी के वाक्य को किस प्रकार से पहचानते हैं कि वह जो दिया गया सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, अगर हम लोग पहचान भी लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो इसका बनाने का क्या रूल है, क्या तरीका है, उस पर हम लोग विशेष बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके ग्रामर सेक्शन पे, ग्रामेटिकली सेक्शन पे बात करेंगे कि ग्रामर सेक्शन पे इसका किस तरह से वर्क होता है, किस तरीके से हम लोग काम को करते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग को क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन रूल पे हम लोग को बात करना है। तो आप खुद जानते हैं कि ट्रांसलेशन रूल में सबसे पहले इसको पहचानने का नियम हमें सीखना पड़ता है कि किसी भी सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, यानी इसका क्या पहचान है। तो देखिए, विशेष तौर पे जो इसका पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो है कि यदि किसी हिंदी का वाक्य है जिसका अंत ता रहा है, हिंदी का वाक्य जो अंत करता है वो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ये उसका पहचानने का रूल है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य होता है उसका अंत होगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं। जब इटिस इससे अंत करेगा तो वह जो सेंटेंस है वह आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। अब इसका देखिएगा, जैसे हमने बोल दिया वह अंग्रेजी सीखता रहा है, सीखता रहा है। अब इस पे देखिए तो अंत में आपको क्या मिल रहा है, ता रहा है। जब ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, तो आप खुद जानते हैं अभी अभी बताया गया है कि वह कौन सा टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अगर किसी हिंदी का वाक्य हो जिसका अंत ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, जब इटीसी से होता है तो कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो बनाने का तरीका है, तो एग्जांपल आप देख लिए कि वह अंग्रेजी सीखता रहा है, लेकिन इसका जो बनाने का तरीका होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अभी तक हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वेयर, इटीसी का प्रयोग करते आए हैं, इज एम आर का किए, हैव हैज का किए। इसमें देखिए किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले काम करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इसमें हैव या हैज आता है, इसके बाद इसमें एक और मेन वर्ब के रूप में बीन, उसके बाद आता है इसमें वी फॉर, और लास्ट में इसमें आपको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अगर हम इसके निगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, अफर्मेटिव है, हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अगर हम निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो निगेटिव इसका बनेगा, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव ऑब्लिक हैज, इसके बाद इसी में नोट जुट जाता है, ठीक है, नोट के बाद आपको बीन आएगा, बीन के बाद भी फोर, भी फोर के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमने लिख देते हैं सब्जेक्ट को, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, इसमें इंट्रोगेटिव है ना, तो सबसे पहले हैव या हैज को लिखते हैं, इसके बाद जो आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर नोट रहे तो नोट लिखेंगे, नोट नहीं रहेगा तो नोट को नहीं लिखेंगे, बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यहां से आप लोग बात को गौर कीजिएगा कि जब हम लोग को बात करना पड़ेगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पे बात करना होगा तो क्या होगा, अभी अभी बताए थे कि नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, नोट नहीं रहे तो नहीं लगाएंगे, यानी कि हैव ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसी तरीके से देखिएगा, अगर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वाला वर्ड रहेगा, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, तब इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो सिंपल सी बात है बाबू, सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड को रखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या होगा, हैव या हैज, इस हैव या हैज के बाद आपको आएगा सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, नोट नहीं रहेगा तो हटा देंगे, नोट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। जब ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेशन को कीजिए तो क्या बनेगा, वह अंग्रेजी सीखता रहा तो वह के लिए क्या आएगा, ही, और आप जानते हैं ही के साथ में क्या लगता है, हैज, हैज के बाद क्या करना है, बीन, और क्या सीखता है अंग्रेजी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लर्निंग इंग्लिश, ए जाकर आपका इसका ट्रांसलेशन होगा। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग चारों स्ट्रक्चर पे इस पे काम करेंगे, जल्दी से।
कमान फास्ट एकदम तेजी से, सभी बच्चे जल्दी से कीजिए इसको। जल्दी से कीजिएगा स्क्रीनशॉट। सही बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, आज हम किन्हीं बच्चों को कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रीजन है कि थोड़ा सा बैक कैमरा से चल रहा है और कमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके तो आप लोग खुद से स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए तो आगे देखिएगा। चलिए अब इस पर देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर पे हम लोग काम करते हैं। और सभी देखिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा हम लोग खुद यहां से देख लेंगे। देखिए, अगर हम इसी को लिख देते हैं कि वह अंग्रेजी नहीं सीखता रहा है, वह अंग्रेजी नहीं सीखता रहा है, तो क्या बन जाएगा इसका? ही हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। अगर हम इसकी इंट्रोगेटिव की बात कर देते हैं, सारे बिना हिंदी लिखे हुए हम लिख देते हैं, इंट्रोगेटिव की अगर बात कर देते हैं तो क्या होगा? हैज ही, अगर नोट है तो नोट लगा देंगे, नोट नहीं रहेगा तो नोट को हटा देंगे, बीन लर्निंग इंग्लिश, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर डब्ल्यू एच वर्ड की बात करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड में हम यहां पे हो सकता है अगर व्हेन लगा दें तो क्या बनेगा आपका? व्हेन हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश, When has he been learning English? तो इस तरीके से होता है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ग्रामेटिकल रूल को लेकर आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रामर वाले रूल को लेकर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से, चलिए हो गया। सोनू मिशन जी गुड मॉर्निंग, अमृता कुमारी जी गुड मॉर्निंग। चलिए, कमेंट को हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन कभी कभी फ्रंट कैमरा पर आना पड़ता है, देख लेते हैं। चलिए, इसका ग्रामर रूल के लिए हम लोग इसके हेडिंग को बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो आपका ग्रामर रूल को फॉलो करेगा। सही बच्चे मन से अच्छे से ध्यान से पढ़ें। और देख ही रहे हैं कि आपके बिहार में भी संपूर्ण लॉकडाउन हो गया है जो 15 मई तक है, तो आप लोग अच्छे से मन से पढ़िए, घर पे रहकर सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ाई से पीछे आगे मत हटिए, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा मूल आधार है जिससे आप कुछ भी पा सकते हैं। हो गया, हेडिंग बना लिया आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए ब्रैकेट में कर देते हैं, कौन सा रूल चलेगा अब? ग्रामर रूल। देखिएगा, देखिए सबसे पहली पॉइंट है इसका कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग कहते किसे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए, तो टेंस का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? बीता हुआ। और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। यानी कहने का मतलब होता है इसमें कि काम क्या है, जारी भी है
और बीता हुआ भी है। काम इसमें जो है, एक्शन जो है, इसमें जारी भी है और बीता हुआ भी है। आइए देखिए क्या कॉन्सेप्ट है इसका। कहता है कि वैसा कार्य एक समय है, इस समय को हम लोग प्रेजेंट टाइम कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चर्चा का समय। क्या बोलते हैं? चर्चा का समय। यानी कि वैसा कार्य जो चर्चा के पूर्व से चल रहा है, वैसा कार्य जो चर्चा के पूर्व से चल रहा है, चर्चा के समय भी वह काम चल रहा है और आशा करते हैं कि वह चर्चा के बाद भी चलता रहे। देखिएगा, यह एक प्रकार के एक्शन है। एक्शन कहने का मतलब काम, जिसको कार्य कहते हैं। और यह कार्य जो है कब से शुरू हुआ है? जिस समय हम उस काम के बारे में बात कर रहे हैं, जिस समय उस काम को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो काम उस चर्चा के समय से पहले से चल रहा है। मान लिया जाए कि हम किसी काम को लेकर चर्चा अभी कर रहे हैं और वह काम अभी से पहले से चल रहा था, तो चर्चा के पहले से कोई काम चल रहा है, वह काम चर्चा के समय भी चल रहा है और आशा करते हैं कि चर्चा के बाद भी आगे चलता रहे। काम चर्चा के पहले से चल रहा है, चर्चा के समय भी चल रहा है और चर्चा के बाद भी आगे की ओर चलता रहे, चलता रहने की आशा हो, तब उसे हम लोग किस टेंस के माध्यम से डिनोट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पीछे बता चुके हैं आप लोगों को कि सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अब इस पे यह बात करना है कि आखिर कौन सा एक्शन है जो इसमें चर्चा के पहले से चल रहा है, चर्चा के समय भी चल रहा है और आशा करते हैं कि चर्चा के बाद भी चलता रहे। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। अब इस पर देखिए, मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, आज कौन सा दिन है? बुधवार, ठीक है। अब बताइए मेरा अंग्रेजी पढ़ने का काम कब से चल रहा है? सोमवार से। यानी कि यह काम बुधवार से पहले से चल रहा है ना। जब सोमवार से पढ़ रहे हैं तो सोमवार को पढ़े, मंगलवार को पढ़े, आज उसके बारे में बात कर रहे हैं बुधवार को, तो आज भी पढ़ रहे हैं और आशा करेंगे कि आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। तब कौन सा एक्शन कौन सा टेंस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हमने बोल दिया कि मैं 2 सालों से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, तो 2 सालों से क्रिकेट खेलते रह रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि अभी से 2 साल पहले से खेल रहे हैं, अभी भी खेलेंगे और आगे भी खेलते रहेंगे। तो वैसा काम जो चर्चा के पहले से चल रहा है, चर्चा के समय भी चले और आशा है कि चर्चा के बाद भी चलता रहे, तो कौन सा टेंस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। इस कंडीशन में देखिएगा कि इस वाक्य जो होता है, एक बात और है इसमें कि इस टेंस में, एक तो पॉइंट नंबर फर्स्ट था, सेकेंड में गौर कीजिएगा कि यह जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में समय अवश्य आएगा। किस टेंस में समय अवश्य आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एक एक्शन तो देख लिए कि चर्चा के पहले से चल रहा था, चर्चा के समय भी चला, आशा है चर्चा के बाद भी चलता रहे। तो कब ऐसा होगा? जब इस टेंस में समय रहेगा। बिना समय का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अस्तित्व नहीं है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय रहेगा। और जब समय रहेगा तो समय को डिनोट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फॉर या सिंस का। बताइए, समय को डिनोट करने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेंगे? फॉर या सिंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय आपको रहेगा और समय अवश्य रहेगा। समय को दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग किसका करेंगे? फॉर या सिंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय अवश्य रहेगा, समय को डिनोट करने के लिए प्रयोग हम लोग किसका करेंगे? फॉर या सिंस का। लेकिन अब यह बात आती है
कि हम लोग किस समय के साथ में फोर का प्रयोग करेंगे और किस समय के साथ में सिंस का प्रयोग करेंगे। समय तो अलग अलग होते हैं, उस अलग अलग टाइम के साथ में हम लोग कब फोर का प्रयोग करेंगे, कब सिंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा, समय किस प्रकार का रहेगा, समय किस प्रकार के रहेगा कि हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे, और समय किस प्रकार के रहेगा कि सिंस का प्रयोग करेंगे। एक इसका जब समय आ गया है तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उस स्ट्रक्चर को यहां पे देखिएगा क्या होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। अब यहां पे गौर कीजिएगा कि यहां पे फोर और सिंस दोनों में से कोई एक आएगा, वो आता है किसके अकॉर्डिंग, इस समय के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस टाइम के अकॉर्डिंग। तो यह जो दिया गया टाइम है वो किस प्रकार के होगा, यह जो फोर या सिंस है, फोर या सिंस के बाद जो टाइम दिया हुआ है, ये टाइम किस प्रकार का होगा, किसके साथ में सिंस लगेगा, टाइम किस प्रकार का होगा कि फोर लगेगा। तो यहां पे गौर कीजिएगा, देखिए समय यदि दिया हुआ जो समय रहेगा वो समय कॉमन नाउन हो, कॉमन नाउन कहने का मतलब सामान्य नाम हो, कॉमन नाउन आप जानते होंगे। अगर समय जो है कॉमन नाउन है, जैसे डेज, मंथ, ईयर, सेवरल ईयर, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन के साथ में समय, जब समय यदि कॉमन नाउन होगा तो उस टाइम के साथ में क्या लगेगा, फोर। दूसरी बात, समय का प्लुरल यदि आसान प्लुरल बन जाता है, जो टाइम दिया हुआ रहेगा यहां पर, इस टाइम का प्लुरल यदि बन जाता है तो उसके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। अगर समय फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल कहने का मतलब कि बदलने वाला हो, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, दो महीना, छह महीना, ये सब बदलने वाला समय होता है जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल टाइम कहते हैं। तो जब समय फ्लेक्सिबल होगा तो उसके साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। या जो समय है, अगर समय कितने से का जवाब दे, किसका जवाब देगा, कितने से का। जैसे हम बोल रहे हैं कि वह कितने दिनों से खाना नहीं खा रहा है, तो 10 दिनों से, जवाब किसका मिला, कितने से का। तो जब कितने से का जवाब मिल जाएगा समय से, तो हम किसका प्रयोग कर लेंगे, फोर का प्रयोग कर लेंगे। अब आइए हम लोग सिंस में देखते हैं कि सिंस में किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो सिंस में नाउन जो होगा आपका प्रॉपर नाउन होगा, समय प्रॉपर नाउन, तो क्या प्रयोग कर लेंगे, सिंस। जैसे मंडे, ट्यूजडे, 2020, जनवरी, फरवरी, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ में सिंस लगेगा। और जान रहे हैं कि जब प्रॉपर नाउन है तो प्लुरल इसका नहीं बनेगा, जब प्लुरल आसानी से ना बने तो कौन सा समय के साथ में क्या लगेगा, सिंस। जब समय अगर टू द पॉइंट हो, टू द पॉइंट कहने का मतलब है कि समय निर्धारित हो, जब समय निर्धारित रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। जब समय अगर कब से का जवाब देता हो, कितने से का जवाब देगा तो फोर, लेकिन कब से का जवाब देगा तो सिंस का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा कि यहां पर जो हम लोग को फोर या सिंस के बाद टाइम है, तो फोर या सिंस इस टाइम के अनुसार लगता है। अगर यह टाइम जो दिया हुआ है, अगर वो टाइम आपको कॉमन नाउन है, प्लुरल बन जाता है, फ्लेक्सिबल हो, कितने से का जवाब दे, तो उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। अगर समय प्रॉपर नाउन हो, प्लुरल आसानी से नहीं बनता हो, टू द पॉइंट हो और कब से का जवाब देता हो, तब उसके साथ में हम लोग कौन सा समय का यूज कर लेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इस पे एग्जांपल पे कुछ बात करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कुछ एग्जांपल पे बात करेंगे। नितेश यादव जी गुड मॉर्निंग, गौरव कुमार जी गुड मॉर्निंग, संतोष कुमार, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके कुछ एग्जांपल पे अभी बात करने वाले हैं।
चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। गोल्डन वर्मा जी गुड मॉर्निंग। अमृता कुमारी हो गया, रंजन कुमार हो गया, प्रकाश चंद्रवंशी जी हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए तो आगे देखा जाए। चलिए देखिएगा, इसके कुछ एग्जांपल पे हम लोग बात करते हैं। ये तो समय को समझ लिए ना कि किस तरीके से टाइम आता है, किस तरीके से यहाँ पे हम लोग को काम करना पड़ता है। समय वाला याद तरीके का रहेगा। हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल स्वरूप में दे दिया, देखिएगा। यू हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2019। आगे हमने एग्जाम्पल दिया, मुकेश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस टू डेज। अब देखिएगा ये पूरे सेंटेंस में कहां पे गलती है। सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस सेकंड में जल्दी से बताइए गलती कहां पर है। सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस सेकंड में देखिए गलती कहां पर है, जल्दी से। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बताइएगा क्या होगा इसमें, सेंटेंस में कहां पे गलत है। जल्दी से बताइए आंसर। हो गया, जल्दी से बताइए आंसर। फोर नहीं सेंस होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, देख लीजिएगा आप लोग भी थोड़ा सा। यहां पर देखिए समय कैसा है, एक समय टू द पॉइंट है ना, समय प्रॉपर नाउन है ना, टू द पॉइंट है, प्रॉपर नाउन है, इसका प्लुरल नहीं बनेगा, इसलिए यहां पर हम लोग किसका यूज कर लेंगे, सिंस का। यहां पर देखिए समय का प्लुरल बन गया है, समय आपका कॉमन नाउन है, तब यहां पर हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, फोर का। ठीक है, तो जल्दी से इसको कर लीजिएगा। कुछ और भी प्रश्न हम इस पर डील कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट हो गया, जल्दी से कुछ प्रश्न को करते हैं ताकि आपका डाउट जो है क्लियर रहेगा। चलिए देखिएगा आपका प्रश्न किस तरीके से है। हमने लिख दिया मोहन खाली स्थान प्लेइंग क्रिकेट, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपका खाली स्थान रीडिंग इंग्लिश सिंस 2019। आगे हमने प्रश्न लिख दिया यू खाली स्थान सिंगिंग ए सॉन्ग, एक प्रश्न हमने और लिख दिया
दे खाली स्थान, वर्किंग हेयर फॉर थ्री ईयर। अब बताइए क्या फिलअप होगा सिलेंडर ब्लैंक्स में। इस सिलेंडर ब्लैंक्स में है आपको इज ऑब्लिक हैज बीन, दोनों में से क्या होगा। इसमें भी है आपका एम ऑब्लिक हैव बीन, इसमें है आपका आर ऑब्लिक हैव बीन, इसमें है आपका आर ऑब्लिक हैव बीन। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, सभी का नंबर बाय नंबर आंसर दीजिए, जवाब दीजिए जल्दी से, जल्दी से सभी का आंसर का इंतजार है, जल्दी से। जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए आप लोग की खुशी की बात है कि हमारा YouTube अपने ही फोन में खुल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब कमेंट हम देख सकते हैं। चलिए जयमरुन निशा जी, रोशनी मेहता जी, रवि रोशन जी, आलोक कुमार, अंकित कुशवाहा जी, मिस्टर दिवाकर चौरसिया जी, मिक्की जी, रंजन जी, अमरेश जी, सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी को सुबह का नमस्कार। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए एक फर्स्ट में इज होगा। चलिए अमृता कुमारी का जवाब है फर्स्ट में इज होगा, गोल्डन वर्मा का जवाब है सेकेंड में हैव बीन होगा, सेकेंड में हैव बीन होगा, गोल्डन वर्मा थर्ड में आर होगा, मिक्की जी हैज बीन, रोशनी मेहता हैज बीन, हैव बीन, गोल्डन वर्मा फोर्थ हैव बीन। चलिए सभी का जवाब सही आ रहा है, कुछ बच्चों का जवाब तो हमें ही पता नहीं चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर नहीं दिया। देखिएगा बाबू, जिसमें एकदम सिंपल सी बात है, सोच लीजिएगा, अगर समय दिया हुआ है सेंटेंस में, यहां पे देखिए थोड़ा सा, अगर समय है, इस टाइम अगर दिया हुआ है तो समय दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा। अगर समय नहीं दिया हुआ है तो बस सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो देखिए जिसमें समय है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें समय नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें टाइम है नहीं है तो क्या आपका होगा इज होगा, यानी यहां से हैज बीन नहीं होगा। इसमें देखिए समय दिया हुआ तो इसमें क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होगा हैव बीन होगा, इसमें समय नहीं दिया हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैव बीन नहीं होगा, इसमें समय दिया हुआ है तो क्या होगा आर नहीं होगा, क्या होगा हैव बीन होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट, सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। और एक बात आप लोगों की आज सेव है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हमने बता रहे थे वो प्रैक्टिस सेशन कॉमन ईयर का क्लास आप लोगों को शाम 7 बजे से प्रारंभ होगा, जिसकी सूचना व्हाट्सएप पे दे देंगे आप लोगों को। चलिए जल्दी से सही बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए, सही बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट में हैज बीन नहीं होगा, फर्स्ट में इज होगा क्योंकि इसमें समय नहीं दिया हुआ है, अगर समय दिया हुआ रहता तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन समय नहीं दिया हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब इज लेगा। ठीक है,
चलिए हो गया, तो इसको इरेज करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक को लेकर। इतना तो समझ में आ गया ना कि जब कोई काम चर्चा के पहले से चल रहा था, काम चर्चा के समय भी चल रहा है और आशा करते हैं कि चर्चा के बाद भी चलता रहे, तब उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। इस टेंस में आपका समय अवश्य रहेगा और जब समय आएगा तो समय को डिनोट करने के लिए हम लोग फोर या सिंस का प्रयोग करेंगे। फोर किसके साथ में आएगा, कौन से टाइम के साथ में, और सिंस किस समय के साथ में आएगा, आप खुद यहां से देख लिए। अगला पॉइंट है, देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेन स्ट्रक्चर जो वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इस टेंस में नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के द्वारा, इस टेंस में कहने का मतलब है क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट को नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। रिप्लेस करने का मतलब है कि हटाया जा सकता है। जैसे हम बोल दिए कि वह बचपन से अंग्रेजी में कमजोर है, वह बचपन से अंग्रेजी में कमजोर है। अब यहां पे बताइएगा काम कैसा है, बचपन से, यानी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी से पहले से वो ऐसा काम हो रहा है, अभी भी है कमजोर और आगे भी कमजोर रहेगा, तो कौन सा टेंस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन बस यहाँ पे दिक्कत यह है कि वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट के जगह पर आपको क्या दे दिया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका, ही हैज बीन वीक इन इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। तो इस बात को गौर कीजिएगा कि इस टेंस में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट को नाउन के द्वारा हटाया जा सकता है, प्रोनाउन के द्वारा, एडजेक्टिव के द्वारा, इन सभी के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट गौर कीजिएगा, जो खुद आप लोग को पीछे हम बता चुके हैं, वो बताया हुआ पॉइंट था वर्ब परसेप्शन को लेकर, कि बताए थे कि वर्ब परसेप्शन जो है अपने साथ में आईएनजी नहीं लेता है, वर्ब परसेप्शन अपने साथ में आईएनजी नहीं लेता है, इसका एक टेंस पीछे प्रयोग करते हैं। इसको देखने के लिए वीडियो देख लीजिएगा आप लोग क्लास 4-5 का, जिसमें आप लोगों को सारे वर्ब परसेप्शन की हम लोग बात किए थे और उसमें दिखाया गया था कि क्यों आईएनजी नहीं लेता है, वर्ब परसेप्शन के साथ में क्यों आईएनजी नहीं लेता है, सारा वीडियो में दिखाया हुआ है, आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और यहां से खुद समझ जाइएगा, खुद बता चुके हैं कि वर्ब परसेप्शन आईएनजी नहीं लेगा, उसका एक टेंस पीछे हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक टेंस पीछे प्रयोग करने का मतलब है कि जब वर्ब परसेप्शन आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा तो इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा वर्ब परसेप्शन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा तो होगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। और वर्ब परसेप्शन होता कौन कौन है, पीछे बता चुके हैं कि नो, फील, अंडरस्टैंड, बिलीव, ये सब आपका कौन सा वर्ब है, वर्ब परसेप्शन है और इन सभी के साथ में आईएनजी नहीं लगता है। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका एग्जांपल हम ऊपर में करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जांपल ऊपर में करते हैं।
वीक सही है गोल्डन जी, यहाँ पे वीक यानी कमजोर, WWEK, वीक मतलब सप्ताह होता है, यहाँ ये वीक की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग अगले क्वेश्चन पे इसके बात करेंगे। चलिए जल्दी से बात कीजिएगा। ओ ऐसा बात है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए जल्दी से कीजिए, हम लोग कुछ प्रश्न पे इस पे बात करेंगे। देखिएगा देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न है, प्रश्न आपका दिया हुआ है कि मैं 2 वर्षों से तकलीफ समझ रहा हूं, मैं 2 वर्षों से तकलीफ समझ रहा हूं, क्या होगा इसमें? आई हैव बीन अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम सिंस, सॉरी सिंस नहीं, यहाँ पर क्या ले आएंगे हम लोग, 4-2 ईयर्स, ठीक है ना। ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें यूज किसका है, वर्ब ऑफ प्रसेप्शन का, और वर्ब ऑफ प्रसेप्शन के साथ में आईएनजी नहीं लगेगा। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सिंपल सी बात है, आप इसको हटाकर यहाँ पे कर सकते हैं क्या, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगले क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और कॉमन ईयर का क्लास के लिए इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। चलिए जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, चलिए तो हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे पास्ट टेंस के लेकर। एक था आपका प्रेजेंट टेंस का सारा हिस्ट्री, हम लोग पिछले अगले क्लास में बात करेंगे पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इन सभी को लेकर बात करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, सभी को फिर से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, आदाब, फिर मिलते हैं इसी क्लास के साथ में हम लोग कल सुबह 8 बजे। सभी बच्चे अपने टाइम से क्लास को ज्वाइन कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक को लाइक कीजिए, जितना हो सके लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने से प्रॉफिट होगा कि मेरे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, और जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके प्रकाश चंद्रवंशी जी, अब इवनिंग में मिलते हैं, शाम 7 बजे हम लोग कॉमन ईरा के क्लास के साथ में शाम 7 बजे मिलेंगे। तो सभी बच्चे शाम 7 बजे जुड़ जाइए, थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लीजिएगा। हम लोग अपने कॉमन ईरा क्लास के लेकर हर एक चैप्टर का बारी बारी से हम लोग कॉमन ईरा का क्लास करेंगे, जितना भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का डीलिंग हम लोग कर लेंगे। समय है आपका शाम 7 बजे, शाम 7 बजे, ठीक है। आपका टॉपिक रहेगा कॉमन ईरर का, कॉमन ईरर को समाप्त करने के बाद हम लोग फिर मिलेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट पे, यानी सारे टॉपिक को धीरे धीरे से हम लोग करते चलेंगे एग्जाम के पॉइंट्स व्यू से। तो चलिए हम लोग शाम 7 बजे इसी माहौल के साथ मिलते हैं, और सभी बच्चे अवश्य जुड़िएगा, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, सभी को बाय।